वक्ता आपको सीधे ले चलते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय, जहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फिलहाल जारी। सर्वे के द्वारा हम उस केस में, उस एरिया में जिसमें भी सर्वे होगा कंटेमिनेट एरिया में, उसमें फीवर, कफ और ब्रेथलेसनेस से रिलेटेड केसेस को आइडेंटिफाई करते हुए उन पर एज पर प्रोटोकॉल एक्शन लेंगे। साथ ही डेली इवनिंग जो भी डेटा फील्ड सर्वे के हिसाब से आएगा उसको जिला स्थाई पर आइडेंटिफाई करते हुए फोकस एरियाज ऑफ इंटरवेंशन बनाए जाएंगे और उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा। इस कार्य में हेल्थ स्टाफ, रेवेन्यू स्टाफ के अलावा जिला स्तर पर कभी काम करने वाले सभी डिपार्टमेंट के स्टाफ को ओरिएंट किया जाएगा, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। एज आई मेंशनड अर्लियर, हमारा रिस्पॉन्स कोविड के संबंध में होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच रहा है। इसके साथ ही जिलों को बताया गया है कि वे कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाएं, माइल्ड केसेस के लिए कोविड केयर सेंटर्स, सीवियर केसेस के लिए जिसमें ऑक्सीजन सपोर्ट फैसिलिटी उपलब्ध हो उसके लिए कोविड हेल्थ सेंटर्स, और क्रिटिकल केसेस जहां पर वेंटिलेटरी सपोर्ट भी उपलब्ध हो उसके लिए कोविड हॉस्पिटल्स बनाए जाएं। हमने उनको स्पेशली क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ पॉजिटिव केसेस के बारे में फोकस करने के लिए कहा है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन और प्रॉपर क्लिनिकल मैनेजमेंट इज एक्चुअली ए मेजर की इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव पेशेंट मैनेजमेंट। हमने उनसे कहा है कि एम्स की जो कॉल सेंटर को हमने बनाया है उसका इस्तेमाल करते हुए पेशेंट का क्लिनिकल मैनेजमेंट एज पर प्रोटोकॉल हो और पूरा यत्न किया जाए कि कोई भी पेशेंट, कोई भी केस हमारा फेटेलिटी में कन्वर्ट ना हो। हर केस को जिला स्तर पर, सीनियर स्थाई पर डे टू डे क्लिनिकल मैनेजमेंट के लिए मॉनिटर किया जाए। जिले को फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन जैसे कि जो हमारे रिस्क केसेस होते हैं उनके लिए HCQ हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन के अलावा नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन के रूप में सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग एटिकेट्स को भी प्रमोट करने के लिए कहा गया है। जिलों को स्पेशली कहा गया है कि जो भी हेल्थ स्टाफ या जो वॉलंटियर इस कार्य में जुड़े हैं उन सबको प्रॉपरली ओरिएंट किया जाए। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार